और चंडीगढ़ से खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में प्रचार करेंगे। राहुल गांधी गुरुवार को अमृतसर पहुंचेंगे, जहां आपको बता दें सभी 117 प्रत्याशियों के साथ गोल्डन टेंपल में दर्शन करेंगे और साथ ही इसके बाद सभी प्रत्याशियों के साथ वो मिलकर दुर्गियाना मंदिर में भी माता के दर्शन करेंगे और ऐसे में भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर भी पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही जलंधर में पंजाब फतेह वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जिस पर अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, अमृतसर पहुंचेंगे राहुल गांधी, सभी 117 प्रत्याशियों के साथ गोल्डन टेम्पल के दर्शन करेंगे, इसके साथ ही दुर्गियाना मंदिर भी देखेंगे, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे, जालंधर में पंजाब फतेह वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। ओपी हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। ओपी, पंजाब में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और ऐसे में अगर हम बात करें प्रचार प्रसार को लेकर, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए कोमल, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, वो जो गुरुवार को जो है वो पंजाब के दौरे पे आ रहे हैं, वो अमृतसर में अपनी फ्लाइट के जरिए लैंड करेंगे। इसके बाद वो सबसे पहले जो है गोल्डन टेंपल में अपने सभी प्रत्याशियों के साथ मत्था टेकेंगे और उसके बाद वो जो अमृतसर का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है उसके अंदर भी जाकर वो जो है वो दर्शन करेंगे और बाद में वो वाल्मीकि तीर्थ के पास में जाकर भी अपनी जो है पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो वहाँ से सड़क के जरिए जो है जालंधर के निकलेंगे और जालंधर में जो एक वर्चुअल रैली फतेह पंजाब मतलब जीत पंजाब नाम से एक वर्चुअल रैली आयोजित की जाएगी, उसमें वो जो है अपने कार्यकर्ताओं और आम जनताओं के सामने पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो एक उनके जो अगले साल अगली सरकार को लेकर जो भी वादे हैं उनके उनको वो कहीं ना कहीं रखेंगे। अगर हम राहुल गांधी के दौरे के देखें तो जो कांग्रेस है वो तीन बड़े समुदायों को एक साथ लेकर चल रही है। गोल्डन टेंपल में आने का मतलब है कि कांग्रेस सिख धर्मों के वोट कहीं ना कहीं बटोरना चाह रही है। उसके बाद वो जो है दुर्गा मंदिर में जाएंगे जिनके जरिए वो कहीं ना कहीं जो एक बीजेपी का एक पक्ष में जो हिंदू वोट माना जाता है उसको कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने की कोशिश की। वहीं जो महर्षि वाल्मीकि मंदिर तीर्थस्थल है वो वहाँ पर भी जाएंगे, उससे वो कहीं ना कहीं जो शेड्यूल कास्ट जो पंजाब का वोट है उसको भी एक तरह से राजनीतिक तौर पर वो साधने का काम करेंगे। तो एक एक मतलब कहा जा सकता है कि सही तरीके से एक वेल प्लान स्ट्रेटजी के साथ वो जो है पंजाब में आ रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी वो परसों आएंगे कब कैसे कहां क्या होगा। जी ओपी, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.